माधुरी गांव में सोया चाप बेचती थी। वो सुबह जल्दी उठकर सोया चाप तैयार करती और निकल पड़ती। सोया चाप ले लो, बढ़िया स्वादिष्ट प्रोटॉन से भरी चटपटी सोया चाप। अजी सुनिए, आज मेरा खाना बनाने का मन नहीं है। सोया चाप वाली माधुरी आई हुई है, उसी से चाप खरीद लीजिए और खेत पर ले जाइए। तुम्हारा कभी खाना बनाने का मन होता है? इससे अच्छा तो मैं सोया चाप वाली माधुरी से ही शादी कर लेता। अब जाओ चाप ले आओ। सुनो माधुरी बहन, 20 रुपए की चाप दे दो। बहन जी, 20 रुपए की चाप से आपका और आपके पति का पेट कैसे भरेगा? दोनों कितने दुबले पतले होते जा रहे हो। अरे कम से कम 50 की चाप तो खरीदो, ये प्रोटॉन से भरपूर होती है। प्रोटॉन नहीं होता, प्रोटीन होता है। हाँ हाँ, मैं भी वही कह रही हूँ। माधुरी अपने मधुर स्वभाव और मीठी बोली से लोगों के दिल जीत लेती थी। अरे ओ काकी, अब तुम्हारी तबीयत ठीक है या नहीं? हाँ हाँ बिटिया, रामपुर से दवा लेकर आई हूँ, अब थोड़ा सा आराम है। सोया चाप खाओ काकी, प्रोटॉन से भरपूर होती है, ताकत देती है। ठीक है बेटी, अब 20 की दे दो। अरे ओ शकुरपुर वाली मौसी, तुम्हारी लड़की को क्या हुआ? वो पेट से थी ना? लड़का हुआ है। अरे वाह मौसी, मिठाई खिलाओ इसी बात पे। चल घर चल, फिर मैं तुझे मिठाई खिलाती हूँ। माधुरी शकुरपुर वाली मौसी के घर जाती है। मिठाई तो खाती ही है, साथ में चाप भी बेचाती है। इस तरह माधुरी सोया चाप बेचकर अच्छी कमाई कर लेती थी। माधुरी के घर पर उसका बीमार पति और उसकी बेटी थी। आ गई माँ, पिताजी को आज फिर बहुत खांसी आ रही है। अरे उन्हें तो खांसी आती ही रहती है। मेरे फूटे भाग्य थे, तेरे पिताजी से मेरी शादी हुई। शादी के बाद पता चला कि इन्हें इतनी सारी बीमारियां हैं। अगर शादी से पहले ही बता देते तो मैं इनसे शादी ही ना करती। माँ मेरे लिए 500 दे दो, मैं नया सूट सलवार खरीद लाऊंगी। अभी पिछले हफ्ते ही तो तूने नया सूट खरीदा था, अब फिर से एक नया सूट। मैं ये पैसे तेरी शादी के लिए बचा कर रख रही हूँ, और तू है कि दिन पर दिन सूट मांगे जा रही है। सारे पैसे कपड़े में ही उड़ा देगी तो मैं लड़के वाले को दहेज में क्या दूंगी? मुझे परवाह नहीं है दहेज वहेज की, सूट के पैसे दे दो वरना घर छोड़कर चली जाऊंगी। मजबूरी में माधुरी को अपनी बेटी को पैसे देने ही पड़े। काश किसी तरह मैं जल्दी से अमीर हो पाती। गांव में ढाकन नाम का एक सपेरा रहता था। एक दिन जब माधुरी सोया चाप बेचते हुए ढाकन के घर के पास से गुजर रही थी तो उसने देखा कि ढाकन एक सांप के आगे बीन बजा रहा है और सांप सोने के मोती उगल रहा है। माधुरी ने सोचा कि अगर वो सांप उसे मिल जाए तो वो एक झटके में अमीर हो जाएगी। माधुरी ढाकन के घर के अंदर गई। और ढाकन भैया क्या हाल चाल है, पत्नी बच्चे सब सही से तो है ना? हाँ माधुरी बहन, सब अच्छे। तुम्हें ये सांप कहाँ से मिला जो सोने की मोती दे रहा है? अरे माधुरी बहन क्या हुआ, अभी कुछ महीनों पहले की बात है, लॉकडाउन लगा हुआ था, मैं शहर जाकर सांप का खेल नहीं दिखा पा रहा था क्योंकि लोग घर से बाहर ही नहीं निकल रहे थे। एक दिन ऐसा भी आया कि मेरे परिवार को भूख से मरने की नौबत आ गई। मैं एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा, वहाँ मुझे एक सांप पड़ा हुआ दिखा। सांप घायल था, शायद उसके ऊपर से कोई वाहन गुजर गया था। मैंने सांप की मरहम पट्टी की और उसे दूध पिलाया। बाद में पता चला कि ये कोई साधारण सांप नहीं है, इसके आगे बीन बजाओ तो ये सोने के मोती देता है। सब भगवान की कृपा है, अगर ये सांप उस दिन ना मिलता तो पता नहीं मेरा और मेरे परिवार का क्या होता। माधुरी वो सांप हासिल करने की तरकीबें सोचने लगी। वो सांपों का व्यापार करने वाले एक आदमी के पास गई। उसने ढाकन के सांप जैसा एक साधारण सांप खरीद लिया। साधारण सांप को उसने अपनी सोया चाप वाली मटकी में रख लिया और सोया चाप बेचने के बहाने एक दिन फिर ढाकन के घर पहुंची। ढाकन भैया आज मैंने बहुत विशेष सोया चाप बनाया है, गांव में सभी लोगों ने इसका स्वाद चखा है, थोड़ी सी बची है आप भी ले लो। अच्छा विशेष चाप बनाई है तो मैं भी जरूर खाऊंगा, जरा मैं अंदर से बर्तन ले आऊं। ढाकन जब अंदर बर्तन लेने चला गया उतनी ही देर में माधुरी ने सोने के मोती देने वाले सांप को अपनी मटकी में रख लिया और उसकी जगह साधारण सांप ढाकन के घर छोड़ दिया। लो माधुरी चाप को इस थाली में रख दो। अरे माधुरी बहन पैसे तो लेती जाओ। पैसे की क्या बात है ढाकन भैया, वो तो मैं कभी भी ले लूंगी। माधुरी को सोने की मोती पाने की जल्दी थी,
वो जल्दी से अपने घर पहुंची। उसने मटकी से सांप बाहर निकाला और सांप के सामने बीन बजाना शुरू कर दिया। हे सांप देवता, अब जल्दी से सोने की मोती दे दो। सांप ने अपने मुंह से मोती की जगह एक तेज फुंकार मारकर ढेर सारी आग निकली। अरे रे, मर गई रे, अरे जला डाला मुझे इस सांप ने, बचाओ कोई। मैं जरूरतमंदों की मदद करता हूँ, लेकिन तुमने लालच में मेरा इस्तेमाल करना चाहा, इसीलिए मैंने तुम्हारा चेहरा जला दिया। सांप देवता, कृपया मेरा चेहरा ठीक कर दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ, मैं इस तरह जले हुए चेहरे के साथ नहीं जी पाऊंगी। मैं अब जिंदगी में कभी लालच और चोरी नहीं करूंगी। ठीक है, पहले मुझे ढाकन के घर छोड़ कर आओ। माधुरी ढाकन का सांप वापस दे आती है, तब जाकर सांप उसका चेहरा ठीक कर देता है। छह साल के भानु के मम्मी पापा दोनों पुलिस में होते हैं। भानु के मम्मी पापा ड्यूटी पर जा रहे होते हैं। मम्मी पापा बाय, जल्दी लौट कर आना और मेरे लिए एक एरोप्लेन लेकर आना। हाँ बेटा, जरूर लेकर आएंगे, और तुम दादी दादा को ज्यादा परेशान मत करना। हा? नहीं करूँगा। और अपनी पैंट में सूसू मत करना, जब भी सूसू लगे तो दादा या दादी को बता देना। हाँ मम्मी, बता दूंगा। भानु अपनी दादी के साथ पार्क में चोर पुलिस खेल रहा होता है। भानु झाड़ियों में छुपा होता है, उसकी दादी पहुंच जाती है। पकड़ लिया, मैंने भानु को पकड़ लिया। दादी, इस बार आप चोर बनो, मैं पुलिस बनूंगा, आप छुपो और मैं आपको ढूंढ लूंगा। ठीक है, बड़ा होकर क्या बनना चाहते हो? मैं बड़ा होकर मम्मी पापा की तरह पुलिस वाला बनना चाहता हूँ। कुछ समय बाद भानु के मम्मी पापा लौट आते हैं। ये हुर्रे, मम्मी पापा आ गए। पापा, आप मेरे लिए एरोप्लेन लेकर आए? हाँ बेटा, ये रहा तुम्हारा एरोप्लेन। मम्मी, इसने सूसू तो नहीं की? भानु अपने दादा के साथ पार्क में घूमने जाता है। उसके दादा उसे लंबाई बढ़ाने वाले झूले पर लटका देते हैं। देखो, अगर तुम्हें भी अपने मम्मी पापा की तरह पुलिस में जाना है तो रोजाना ऐसे ही लटका करो। एक दिन भानु की मम्मी पापा का कार एक्सीडेंट हो जाता है और वो दोनों मर जाते हैं। भानु के दादा दादी भानु की परवरिश करते हैं। भानु जब 18 साल का हो जाता है तो पुलिस में जाने की तैयारी शुरू कर देता है। सुबह 4 बजे उठकर ही वो दौड़ने जाता है। लंबी कूद, ऊंची कूद, वो सब की खूब प्रैक्टिस करता है। एक दिन भानु हाइकिंग के लिए पहाड़ों पर जाता है। उसी समय उसके पैर में एक सांप काट लेता है। भानु तुरंत अपना चाकू निकालकर सांप के काटे हुए जगह पर चाकू से कट लगा देता है। उसके बाद वो अपनी शर्ट फाड़कर अपने पैर पर जगह जगह बंद लगा देता है, ताकि सांप का विष निकल जाए और वो पूरे शरीर में ना फैले। लेकिन खून ज्यादा बह जाने की वजह से भानु वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को अपने दादा दादी के साथ हॉस्पिटल में पाता है। अरे दादी, मैं हॉस्पिटल तक कैसे पहुंचा? बेटा, दो लोग तुम्हें यहाँ लेकर आए, तुम 3 दिन से बेहोश पड़े हो और तुम्हें खून की कई बोतलें चढ़ा चुके हैं। आज तुम्हारा फिजिकल टेस्ट था, लेकिन तुम्हारा वेट खून बहने की वजह से कम हो गया है। कल तुम्हारी यहाँ से छुट्टी हो जाएगी। मजबूरी में भानु एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करने लगता है। कुछ दिनों बाद भानु के दादा की मृत्यु हो जाती है। बेटा, मैं बीमार रहती हूँ और तुम ड्यूटी पर चले जाते हो। यहाँ ना तो कोई खाना बनाने वाला है और ना ही मेरा ध्यान रखने वाला। तुम शादी कर लो, घर में लड़की आएगी तो कम से कम काम में हाथ बटा देगी। एक दिन भानु और उसकी दादी एक लड़की को देखने जाते हैं। बेटा, तुमने क्या कर रखा है? जी, मैंने बीए कर रखा है। बेटा भानु, क्या तुम्हें लड़की पसंद है? हाँ दादी जी।
श्वेता जब भानु के घर जाती है तो वह भानु के घर पर भानु के मम्मी पापा की पुलिस वर्दी में तस्वीर लगी हुई देखती है। जब तुम्हारे मम्मी पापा दोनों पुलिस में थे तो तुमने पुलिस में जाने की तैयारी क्यों नहीं की? भानु फिर उसे अपनी पूरी कहानी सुनाता है कि कैसे बिल्कुल अंतिम समय पर उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। मेरे दादा दादी और मम्मी पापा का यही सपना था कि मैं पुलिस में जाऊंगा, लेकिन ईश्वर की मर्जी के खिलाफ इंसान क्या कर सकता है। मैं तुम्हारे मम्मी पापा का सपना पूरा करूंगी। मैं पुलिस में जाने की तैयारी करूंगी और तुम मेरी तैयारी करवाना। अगले दिन से भानु श्वेता को तैयारी कराने में जुट जाता है। वे दोनों रोजाना 10 किलोमीटर दौड़ते हैं। भानु श्वेता को लंबी कूद, ऊंची कूद सब कुछ सिखा देता है। श्वेता पुलिस का रिटन टेस्ट पास कर भी लेती है। अब फिजिकल टेस्ट की बारी है। एक दिन श्वेता सीढ़ियों से उतर रही होती है तो उसका पैर फिसल जाता है और उसके सर पर चोट आ जाती है। बेटी, अब तुम्हें आराम की जरूरत है। तुम फिजिकल टेस्ट की तैयारी मत करो। नहीं दादी, मेरे सर पर चोट जरूर लगी है, लेकिन फिर भी मैं अपनी तैयारी जारी रखूंगी। श्वेता पट्टी पहनकर ही ऊंची कूद, लंबी कूद और रनिंग की प्रैक्टिस जारी रखती है। जब फिटनेस टेस्ट की बारी आती है तो तब तक श्वेता के सर के चोट भी ठीक हो जाती है। वो सभी लड़कियों में सभी टेस्टों में फर्स्ट नंबर पर आती है और पुलिस में भर्ती हो जाती है। श्वेता, मुझे तुम पर बहुत गर्व है कि तुमने इतनी परेशानियों के बावजूद भी पुलिस वाली बहू बनकर दिखा दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जब हम अपने टारगेट को पाना चाहते हैं तो रास्ते में कुछ कठिनाइयां भी आती हैं। हमें उन कठिनाइयों से हार ना मानकर अपना प्रयास जारी रखना चाहिए, तभी सफलता मिलती है।